जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाउ इज डाटा अरेंज इन एक्सेल वर्कशीट। दोस्तों जो एक्सेल वर्कशीट होती है उसमें डाटा किस तरह से अरेंज किया जाता है। ऑप्शन ए लाइन एंड स्पेसेस, ऑप्शन बी हाइट एंड वेट, ऑप्शन सी लेयर्स एंड प्लांस, या फिर ऑप्शन डी रोज एंड कॉलम। दोस्तों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रोज एंड कॉलम में डाटा अरेंज किया जाता है एक्सेल वर्कशीट में। B7:B9 इन MS Excel मींस, दोस्तों B7 से B9 तक यदि हम एक्सेल में ये टाइप करते हैं तो ये फॉर्मूला क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए सेल्स B7 एंड B9 ओनली, ऑप्शन बी सेल B8 ओनली, या फिर ऑप्शन सी ऑल सेल फ्रॉम B7 टू B9, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेल फ्रॉम B7 टू B9 ओनली। दोस्तों यदि हम एक्सेल में इस तरह का फॉर्मूला टाइप करते हैं तो उसका मतलब होता है जो एड्रेस दिया गया है वहां से वहां तक की, यहां से यहां तक की सभी सेल्स सिलेक्ट होगी। ये जो फॉर्मूला है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक मान्य होगा। द फर्स्ट सेल इन MS Excel वर्कशीट इज लेबल्ड एज। दोस्तों जो हमारी MS Excel वर्कशीट होती है उसमें प्रत्येक सेल के लिए एक नाम दिया गया होता है, स्पेसिफिक उसमें एक सेल एड्रेस जिसे हम बोलते हैं वो होता है। तो यदि मैं फर्स्ट MS Excel की सेल की बात करूं, जो MS Excel की फर्स्ट सेल होती है उसके नाम की बात करूं तो निम्न में से कौन सा है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, A1। मैं आपको दिखा भी देता हूं दोस्तों। दोस्तों ये है हमारी MS Excel वर्कशीट, मैं आपको दिखा दूं, मैं पहली सेल पर क्लिक करे हुआ हूं, तो इसका यदि हम नाम देखते हैं तो A1 पहली मेरी सेल सिलेक्ट है। यदि मैं इसका नाम देखता हूं दोस्तों तो यहां पर दिखा रहा है A1, A और 1। Which of the following function is used to display current date and time in MS Excel? दोस्तों यदि हम MS Excel में current date और time both दोनों को insert करना चाहते हैं तो कौन सा formula निम्न में से use किया जाता है? Option A is equal to now, Option B is equal to time, ऑप्शन सी इज इक्वल टू डेट, या फिर ऑप्शन डी इज इक्वल टू टुडे। दोस्तों यदि हम MS Excel में करंट डेट और टाइम दोनों को एक साथ इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं ऑप्शन ए इज इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, इस तरह का फॉर्मूला। इज इक्वल टू दोस्तों हमें लगाना ही लगाना होता है MS Excel में जब हम अपना फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे होते हैं। In MS Excel, a worksheet is a collection of, दोस्तों जो हमारी वर्कशीट होती है वो किसका कलेक्शन होती है? ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी कॉलम्स, या फिर ऑप्शन सी वर्कशीट, ऑप्शन डी वर्कस्पेस। तो दोस्तों हमारी जो एक्सेल वर्कबुक की बात हो रही है यहाँ दोस्तों, एक्सेल वर्कबुक, तो ये कलेक्शन होती है वर्कशीट का। हमारी एक्सेल जो वर्कबुक होती है उसमें बहुत सारी शीट्स बनती है जिन्हें हम एक्सेल वर्कशीट बोलते हैं, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वर्कशीट्स। एन MS PowerPoint प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ, दोस्तों आपका जो PowerPoint होता है जिसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो किस चीज का कलेक्शन होता है, क्या क्या को मिलाकर एक प्रेजेंटेशन तैयार होती है? ऑप्शन ए पेजेस, ऑप्शन बी कॉलम्स, या फिर ऑप्शन सी शीट्स, ऑप्शन डी स्लाइड्स। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइड्स, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 40, एन MS PowerPoint स्लाइड शो कैन बी स्टॉप्ड बाय प्रेसिंग डी। दोस्तों यदि हम MS PowerPoint में स्लाइड को देख रहे हैं तो उसका वो स्लाइड शो यदि हमें स्टॉप कराना है, बंद कराना है, तो किस की का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल की, ऑप्शन बी एस्केप, ऑप्शन सी एंटर की, या फिर ऑप्शन डी अल्ट। दोस्तों हमें यूज करनी होती है एस्केप की, ESC हमारे कीबोर्ड में टॉप में फंक्शन की के साथ पहली की होती है दोस्तों एस्केप की।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो के ये प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।